हाय गाइस, मैं हूँ तानिया नाज। गोदरेज एक्सपर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर केयर। हम सभी जानते हैं कि कस्टमर हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि उनका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स और कस्टमर की शिकायतों का समाधान करना। क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एक नया क्लाइंट बनाने का बेहतरीन तरीका है। आप इन सब तकनीकों की मदद से ज्यादा असरदार कम्युनिकेशन विकसित कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, हमेशा मुस्कुराकर पॉजिटिव और फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ क्लाइंट का स्वागत करें, क्योंकि आप उन्हें उनकी मनचाही सर्विस देने में खुशी महसूस करते हैं और आपको अपने काम से प्यार है। नजरें मिलाना असरदार कम्युनिकेशन का सबसे अहम हिस्सा है। नजरें मिलाना, बात करते समय या सुनते समय सामने वाले की आंखों में देखें और अपना ध्यान ना बटने दें। इससे पता चलता है कि आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। सुनना, गलत फहमियों से बचने के लिए अपने क्लाइंट को उनकी बात बिना दखल दिए कहने दें। उनकी बातों की प्रतिक्रिया के रूप में आप आई सी, आहा जैसी सुनने की आवाज निकाल सकते हैं या सिर हिला सकते हैं। लोग जो बात कहना चाहते हैं वो ना कह पाने पर बात करना बंद कर देते हैं। फीडबैक दें और अश्योर करें कि आप सुन रहे थे। बातों का जवाब देकर पूरी बातचीत पर अपनी सोच सामने वाले को समझाने का मौका दें। फीडबैक सामने वाली गलतफहमियां दूर करता है और उन्हें आगे की बातचीत के लिए बढ़ावा देता है। किसी मुश्किल ग्राहक से बात करते समय एक प्रोफेशनल के रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सैलून की इमेज को 10 सैटिस्फाइड कस्टमर जितना ऊपर उठा सकते हैं, उतना ही एक अनसैटिस्फाइड कस्टमर गिरा भी सकता है। कृपया क्लाइंट की हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। उनके सैलून से निकलने से पहले सारी गलतियां सुधार लें। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिन्हें आप कस्टमर की शिकायतों के समाधान के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिए, जब क्लाइंट नाखुश हो तो उनकी शिकायत को शांति से बिना दखल दिए सुनने की सभी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सुनें। उन्हें ये बताने का मौका दें कि क्या हुआ है और वो किस बात से नाखुश हैं। कभी भी किसी नाखुश ग्राहक से बहस ना करें। माफी मांगे, मैं इस बात के लिए माफी चाहती हूँ सर या मैम, और मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा अनुभव हुआ। माफी मांगना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे कस्टमर तुरंत शांत हो जाते हैं और कस्टमर को लगता है कि आपको उनकी परवाह है। कृपया हमें माफ करें और सुधार करने का मौका दें। सुलझाएं मुद्दे को, सुलझाने की हर संभव कोशिश करें। तुरंत स्थिति को शांत करने के लिए कोई वादा ना करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो उस वादे को जरूर पूरा करें। धन्यवाद इस मुद्दे की ओर आपके ध्यान खींचने के लिए कस्टमर का धन्यवाद करें। हमें इस बात की जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर या मैम, इससे हमें अपनी सेवाओं को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। रिसर्च से पता चलता है कि 95% शिकायतें कंसल्टेशन के वक्त गलतफहमियों से हो सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हर कस्टमर शिकायतों को आगे नहीं लाता, इसीलिए अंत में फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है। सर या मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप हमें और भी बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर मुलाकात होगी गोदरेज एक्सपर्ट एकेडमी के अगले ट्रेनिंग वीडियो में।